प्रिय के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव की। कुंडली के 11वें भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए 11वें भाव को आमदनी का स्थान कहा जाता है, बड़े भाई का स्थान कहा जाता है। इस स्थान को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में सर्वतोभद्र स्थान कहते हैं, कल्याणकारी स्थान कहते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसको भी तृतीय और छठे भाव की तरह इसको भी पाप स्थान ही माना गया है। तो तृतीय भाव में शनि या राहु का होना निसंदेह बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि राहु एकजुट भी हो जाएं तो बड़ा नुकसान नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बता दिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के भाई या बहन को किसी तरह का कष्ट जरूर रहता है, और 11वें भाव में राहु शनि व्यक्ति को संतान के सुख से भी वंचित करता है। चैकाद से यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवे सुतानते यद्यपिंद्रो प्रसिद्ध, क्योंकि एकादश में बैठा राहु उसकी पूर्ण दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर, और जब पंचम भाव पे संतान भाव पे दृष्टि जाएगी तो संतान कैसे रहेगा, संतान तो उड़ेगा, ऐसे हाथ से उड़ जाएगा, गर्भ से उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दुर्योग हो तो इसका सम्यक विचार करके 5 ग्राम सोने का नाग बनवा करके सर्प सुक्त से उसकी पूजा करके किसी ज्योतिर्लिंग में, खास करके काशी विश्वनाथ या महाकाल में, उज्जैन में या त्र्यंबकेश्वर में जा करके विधिवत रुद्राभिषेक करके सोने का नाग दान करने से नागदेव प्रसन्न होकर के कुल की वृद्धि करते हैं, संतान सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव की। कुंडली में 12वें भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बताइए पंडित जी। देखिए कुंडली का 12वां भाव जो है वो खर्च का स्थान कहलाता है, पूर्व जन्म का स्थान कहलाता है। शनि राहु की युति अगर 12वें भाव में है तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति भूत प्रेत योनि से आकर के पैदा हुआ है, ये व्यक्ति किसी मनुष्य योनि से या बहुत पुण्य योनि से नहीं आया है। अनैतिक काम करेगा ऐसा व्यक्ति और अनैतिक संबंध बनाएगा, जुए में, सट्टे में, वेश्यावृत्ति में अपने धन को बर्बाद करेगा, और ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को जीवन में कई बार धोखा भी मिलता है, और ऐसे लोग किसी बड़ी बीमारी से भी पीड़ित रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको चाहिए कि आप प्रभु श्री राम की सेवा उपासना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी शनि राहु की युति के बारे में बताया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।